हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृतिका बीएससी क्लासेस। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द ह्यूमन जेनेटिक्स डिसऑर्डर। जेनेटिक्स से कौन से ह्यूमंस में डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसकी क्रोमोसोम्स कंप्लीमेंट क्या होते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ़ द ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल। सो देन नाउ स्टार्ट दैट। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ह्यूमन जेनेटिक्स से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला डिसऑर्डर है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में उसका जो क्रोमोसोम्स कम्प्लीमेंट होता है, क्रोमोसोम्स कम्प्लीमेंट क्या होता है डाउन सिंड्रोम्स का, तो जो क्रोमोसोम्स होता है वो ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम्स के कारण होता है। इसका क्रोमोसोम्स कम्प्लीमेंट होता है। इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो क्रोमो डाउन सिंड्रोम्स के इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो शॉर्ट स्टैचर्स होता है, एपिकैथस होता है, स्मॉल राउंड हेड होता है, जो सर हेड होता है वो स्मॉल राउंड होता है, एंड प्रोटेटिंग द फ्रंट टंग होता है, एंड ओपन माउथ होता है, एंड ब्रॉड हैंड होता है, जो हैंड होता है वो ब्रॉड होता है, एंड प्रोट्यूडिंग द लोअर लिप, और इनकी लोअर लिप होती है, एंड फ्लैंटेड नेसल ब्रिज, एंड मेंटल रिटार्डेशन इन शॉर्ट लाइफ, इनकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है, एंड मेंटल रिटार्डेशन होता है, फ्लैटेड नेसल ब्रिज होता है, एंड लोअर लिप एंड ओपन माउथ। ये आप जैसा कि आप डायग्राम में भी शो हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं डाउन सिंड्रोम्स के। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम का जो क्रोमोसोम्स कम्प्लीमेंट होता है, इसका एडवर्ड सिंड्रोम का जो क्रोमोसोम्स कम्प्लीमेंट होता है वो ट्राइसोमी 18 क्रोमोसोम्स के कारण होता है। यहाँ पे ट्राइसोमी 18 का क्रोमोसोम्स का एक डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं 18 क्रोमोसोम ट्राइसोमी के कारण ही एडवर्ड सिंड्रोम का क्रोमोसोम्स कम्प्लीमेंट होता है। तो इस तरीके इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसको देखते हैं। जो एडवर्ड सिंड्रोम के इफ़ेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग बट नैरो स्कल्स होता है, स्मॉल फेस होता है, जो फेस होता है वो छोटा होता है, एंड शॉर्ट डिजिट्स होते हैं, वेवेड नेक होता है, एंड कॉर्नियल ओपेसिटी होती है, और इसमें जो डिफनेस मेंटल रिटार्डेशन होता है। कि इस तरीके की कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं एडवर्ड सिंड्रोम्स के। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा क्राइडोचैट सिंड्रोम, यानी कैट्स क्राई सिंड्रोम्स के को ही हम क्राइडोचैट सिंड्रोम्स कहते हैं। इसका जो क्रोमोसोम्स कम्प्लीमेंट होता है वो डिलीशन इन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स 5 के कारण ही होता है, इसका क्रोमोसोम्स कम्प्लीमेंट होता है। इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कैट्स क्राई के इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो माइक्रोसिफैली होता है, इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन आई होता है, और इनका जो फेस होता है वो मून होता है, मून फेस होता है, एंड सर मेंटल डिफिशियंस होता है, एंड कैट लाइक क्राई ऑफ नियोनेट होता है। इसके इस तरीके की कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं कैट्स क्राई के सिंड्रोम्स के। इनके जो बच्चे होते हैं वो कैट्स क्राई की तरह होता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा पटाओ सिंड्रोम। पटाओ सिंड्रोम का जो क्रोमोसोम्स कम्प्लीमेंट होता है वो ट्राइसोमी 13 क्रोमोसोम्स के कारण होता है। इसका पटाओ सिंड्रोम की कुछ इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं, इसका क्या इफ़ेक्ट्स होता है, इसके क्रोमोसोम्स कम्प्लीमेंट 13 क्रोमोसोम्स होता है। इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो लेफ्ट प्लेट एंड लीप, इनकी जो लेफ़्ट प्लेट होती है एंड लीप होती है, एंड पॉलीडेंसिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन होता है, एनोमेलीज इन डर्मल पैटर्न होता है, एंड जो हार्ड विसरा होता है एंड जेनिटेलिया होता है। कुछ इस तरीके का इसका इफ़ेक्ट्स होता है ये पटाओ सिंड्रोम्स का, जैसा कि आप डायग्राम में भी शो हो रहा है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा काइनफ्लेंटर सिंड्रोम। काइनफ्लेंटर सिंड्रोम का जो क्रोमोसोम्स कम्प्लीमेंट होता है वो एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स के कारण, जहाँ की जो इसका एग्जाम्पल होता है वो 47 XXY क्रोमोसोम, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं XX यहाँ पे गोलसा रोल बना हुआ है। इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं काइनफ्लेंटर सिंड्रोम का, जो इफ़ेक्ट्स होता है फीमेल और स्ट्राइल होता है, फीमेल्स आर स्ट्राइल, एंड ओवरी आर रूडमेंट्री, एंड लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, एंड पुअर ब्रेस्ट एंड डेवलपमेंट्स, शॉर्ट स्टैचर्स एंड स्मॉल यूट्रस होता है, एंड पफी फिंगर एंड वेम्बेड नेक होता है। कुछ इस तरीके का जो कि आप देखें इफ़ेक्ट्स लिखा, इस तरीके का काइनफ्लेंटर सिंड्रोम का इफ़ेक्ट्स होता है। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।